अगली खबर में बात करते हैं कानपुर देहात की, जहां औरैया में शिक्षक की पिटाई से छात्र की मौत पर सोमवार शाम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। देर शाम लोगों ने अछलदा क्षेत्र के आदर्श इंटर कॉलेज में कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो पथराव कर दिया, पुलिस की जीप को फूंक भी दिया। भीम आर्मी के साथ जुटी भीड़ के आक्रोश के चलते मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने पूरा इलाका घेर लिया है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। अछलदा के बसोली गांव निवासी राजू सिंह दौरे का 15 साल का बेटा निखिल आदर्श इंटर कॉलेज में कक्षा 10 का छात्र था। 7 सितंबर को सामाजिक विज्ञान के शिक्षक अश्वनी सिंह ने क्लास में एक टेस्ट लिया। टेस्ट में छात्र ने कई गलतियां कर दी, इस पर शिक्षक का पारा चढ़ गया। उसने निखिल को लात घूंसों से पीटा, इससे वह क्लास में ही बेहोश हो गया था। परिजन उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले गए, वहां से उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सोमवार भोर में उसकी मौत हो गई। छात्र की मौत से आक्रोशित भीम आर्मी के लोग शाम को कॉलेज के पास जमा हो गए। भीड़ बढ़ने पर एडिशनल एसपी, सीओ व एसडीएम कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को हटाने की कोशिश की। इसी बीच कुछ उपद्रवियों ने पथराव भी शुरू कर दिया। पथराव से फोर्स में भगदड़ मच गई, अफसर और पुलिस वालों को भागना पड़ा। एसडीएम विधुना लवगीत कौर के साथ ही उपद्रवियों ने धक्का मुक्की की। कुछ उपद्रवियों ने पुलिस जीप में आग भी लगा दी। काफी देर तक अराजकता का माहौल बना रहा। बाद में कई और थानों की फोर्स के साथ पहुंची एसपी चारू निगम ने मोर्चा संभाला तो उपद्रवी भाग खड़े हुए। चलिए उनकी सबकी फोटो बनाइए जो लोग बैठे हुए हैं। चले आप लोग जाए, अगर कोई शिक्षक को बचाने का